बनाए रखेंगे। कोई भी हलचल नहीं करे इस समय, जब शरीर एकदम स्थिर हो जाए, स्टिलनेस का एहसास हो आपको, शरीर एकदम स्टिल है आपकी, तो अपनी अवेयरनेस को, अपनी सजगता को एक बार सर से लेके पैर तक घुमाते हैं। और जैसे जैसे आपकी सजगता सर से पैर तक घूम रही होती है, शरीर की सारी मांसपेशियों को मानसिक रूप से बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाता है। पैरों की उंगलियों तक पहुंचते पहुंचते शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल ढीला, स्थिरता का एहसास हो, हल्केपन की अनुभूति हो। जब शरीर स्थिर रहती है, हल्की रहती है, तो हम अपनी श्वास से जुड़ जाते हैं और अपनी आती और जाती श्वास को अपनी नासिका छिद्रों में देख रहे होते, जहां से यह हवा प्रवेश करती है आपके फेफड़ों में। सबसे पहला ध्यान आपकी नासिका के अग्रभाग पर हो, श्वास लेते समय जो हवा आपके नासिका में प्रवेश कर रही है उसके प्रति एकदम सजग रहे। सजगता इतनी गहरी होनी चाहिए कि अंदर जाती हुई श्वास के साथ जो हवा जा रही है वो हल्की सी ठंड रहती है, और फेफड़ों से मिलने के बाद जब ये वापस आ रही होती है बाहर, तो ये हल्की सी गर्म होती है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ उस हवा के तापक्रम को महसूस करेंगे जो हल्की सी ठंड है, फेफड़ों से मिलने के बाद जब वापस बाहर आ रही है उसको महसूस करें वो हल्की सी गर्म है। पूरा ध्यान इस समय आपके नासिका के अग्रभाग पे है, यहां से श्वास का प्रवेश द्वार है, श्वास यहां से प्रवेश करती है अंदर की ओर। अब इसको नीचे जाते हुए आप अनुभव करेंगे अपने गले पर, ध्यान को अपने गले पर लाते हैं। फेफड़ों में प्रवेश करने के पहले आपकी ये विंडपाइप में प्रवेश करती है जो गले के बीचों बीच है, श्वास नलिका में प्रवेश होती हुई वो आपको एहसास कराती है। अब गले से अपने ध्यान को लाएंगे अपनी छाती पर, आप अंदर जाती हुई श्वास के साथ छाती के एक्सपेंशन को, उसके प्रसारण को, और बाहर जाती श्वास के साथ उसके संकुचन को, कंट्रैक्शन को महसूस करेंगे आप। अंदर जाती हुई श्वास के साथ आपका चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, बाहर जाती श्वास के साथ वो कंट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। अब चेस्ट से भी हल्का सा नीचे उतरेंगे अपने छाती से, छाती और नाभि के बीच में आपका रिब्स, आपका रिबकेज, पूरे रिबकेज को आप एक्सपैंड होते हुए, जब श्वास छोड़ रहे हैं उसको पूरा सिकुड़ते हुए अनुभव करेंगे। श्वास ले रहे हैं ठीक चेस्ट के नीचे, ये एक्सपेंशन का अनुभव हो रहा है आपको, छोटे समय को सिकुड़ रहा है, जितनी सूक्ष्म श्वास की अनुभूति होगी उतनी बढ़िया। फाइनली अपनी अवेयरनेस को अपने नाभि पे लाते हैं, अपनी सजगता को अपनी नाभि पे लाएं, लेते हुए अपने नाभि के प्रसारण को और संकुचन को अनुभव करें। अंदर की भी श्वास के साथ नाभि प्रसारित हो रही है, बाहर जाती श्वास के साथ नाभि संकुचित हो रही है। नाभि से भी 3 इंच नीचे अपनी चेतना को ले जाते हैं, नाभि से भी 3 इंच नीचे अपनी चेतना को ले जाएंगे।
वो आपका स्वाधिष्ठान है, आपकी चेतना का घर, पूरी सजगता इस समय आपके नाभि से 3 इंच नीचे हो, श्वास को पूरा वहां तक जाते हैं और फिर वहां से वापस बाहर आते अनुभव करेंगे आप। पूरी एक स्ट्रेच में ये सूक्ष्म श्वास नाभि से 3 इंच नीचे तक जा रही है और फिर वहां से वापस नासिका से बाहर आते हुए उसको अनुभव करें आप। उस श्वास के साथ साथ आपकी सजगता अंदर प्रवेश करे और श्वास के साथ साथ ही सजगता बाहर आए। नासिका से जब हवा अंदर प्रवेश कर रही है तो सजगता नासिका के साथ साथ अंदर जाती है, गले से होती हुई, छाती से होती हुई, रिब्स से होती हुई, नाभि से होती हुई, नाभि से भी और 3 इंच नीचे पहुंचती है, फिर वहां से वापस फिर नाभि से होती हुई, रिब्स से होती हुई, छाती से होती हुई, गले से होती हुई, नासिका से बाहर आ रही है हवा। पूरी सजगता, पूरी एकाग्रता अपने श्वास पे होनी चाहिए। इस योग यात्रा में श्वास आपकी इस यात्रा की आत्मा है। इस श्वास के सहारे ही इस यात्रा में हम सफल हो सकते हैं। अब धीरे से अपनी सजगता को अपने भ्रमत पर लाएंगे। अब आप दोनों भावों के बीच में वहां पर एक सुंदर जलती हुई ज्योति का दर्शन करेंगे या उगते हुए सूर्य का दर्शन करें या अपने गुरु, अपने देवता या अपने इष्ट का दर्शन करेंगे और उनके ऊपर अपनी चेतना को टिकाते हुए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर शांति मंत्र आप हमारे पास दोहराएंगे। ओम के उच्चारण के लिए लंबी व गहरी श्वास अंदर लें। शांति मंत्र अब हमारे पास दोहराएंगे। ओम शहनावतु, शहनो भुनक्तु, शह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। एकदम शांत सिर बढ़ेंगे, अपनी श्वास को देखते रहेंगे आप। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब पूरे अभ्यास में अपने श्वास से अलग नहीं होना है आपको, अपनी श्वास को देखते रहनी है। सबसे पहले हम लोग काकी मुद्रा से स्टार्ट करते हैं ताकि जो एयर प्रेशर है आपके अंदर और बाहर का एयर प्रेशर बैलेंस हो जाए, उसको काकी मुद्रा कहा जाता है। और फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में जो डॉक्टरीन लैंग्वेज है वाल्सालवा मैन्यूवर कहते हैं, ताकि आपके यॉस्ट्रेशन ट्यूब को खोले और वेस्टिबुलर अपैरेटस को स्टिमुलेट करती है आपके जो मिड ईयरड्रम में है और आपके ईयरड्रम पर प्रेशर इसकी मैक्सिमम होती है, ताकि आप अपने अंदर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस कर लें पूरी तरह से। जो आपकी इडा और पिंगला है, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी, ये दोनों नॉस्ट्रल्स की फ्लो एकदम इक्वल हो जाए। इसको इक्वलाइज करने के लिए ही ईयरड्रम इक्वलाइजेशन प्रैक्टिस कहते हैं इसको इंग्लिश टर्म में, हम लोग इसको योगिक टर्म में इसको काकी मुद्रा कहते हैं। इसमें हवा को भरते हैं मुंह में आप, तो फेफड़ा पूरा भर जाए आपका, तो नाक को प्लग कर लेते हैं और कल्पना करते हैं कि हम नाक से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। छोड़ते समय प्रेशर जनरेट करेंगे, नाक से हवा को छोड़ रहे हैं, मनी मन गिनेंगे 1 ओम
दो ओम, तीन ओम, चार ओम, पांच ओम, हाथ को हटाएंगे और पूरी श्वास जो आपने फेफड़ों में भर रखी है नासिका से छोड़ देंगे। तुरंत नहीं करेंगे, तुरंत नहीं करनी, अभी केवल श्वास को पहले देखें, नासिका छिद्रों में अंदर जाते बाहर आते, पूरा फोकस इस समय अपनी श्वास पे हो। फिर से दूसरी आवृत्ति करेंगे, फिर से हवा को भरिए अपने मुंह में आप, नाक को बंद करें, पूरा प्रेशर दें कि आप अपनी नासिका से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं, अपनी श्वास को छोड़ रहे हैं। मन ही मन गिनते जाएंगे पांच तक, और फिर उसके बाद अपने हाथ को रिलीज करेंगे और पूरी श्वास को नासिका से बाहर आप छोड़ देंगे। फिर श्वास को देखें अंदर जाते बाहर आते, जल्दी जल्दी नहीं, प्लीज जल्दी जल्दी अभ्यास नहीं करनी, एक के बाद एक मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं करनी, एक बार राउंड हो गई तो श्वास को देखिए अंदर जाते और बाहर आते, मिनिमम कम से कम पांच बार श्वास अंदर गई बाहर आई वो एक हुआ, फिर नेसल पैसेज से अंदर गई नाभि तक पहुंची, इनफैक्ट नाभि के नीचे स्वादिष्टान तक पहुंची और फिर वापस बाहर आई। अब हम लोग तीसरा राउंड करेंगे, फिर से हवा को भरते मुंह में, पूरे फेफड़े को भर लें, नाक को प्लग कर लें, पूरी प्रेशर दें कि आप नेसल पैसेज से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, एक प्रेशर जनरेट होगा आपके ईयर ड्रम पर, आपके कान के पर्दों पर, मिनिमम गिनेंगे आप पांच तक और फिर उसके बाद हाथ को हटाते हुए अपने नासिका से श्वास को पूरी छोड़ देंगे, आंखें बंद रखते हुए श्वास को देखेंगे अंदर जाते बाहर आते। आसन स्टार्ट करने के पहले बहुत जरूरी है कि आपकी नेसल पैसेज एकदम खुली हुई हो ताकि श्वास को लेने और छोड़ने में आपको परेशानी ना हो। आसन के दौरान यदि आपकी श्वास आपका सपोर्ट नहीं कर रही है तो मैकेनिकल आसन करने से आपकी नाड़ियां नहीं खुलती हैं, धीरे धीरे जो ब्लॉकेजेस हैं हमारी नाड़ियों में वो हम अपने ब्रेथ के थ्रू खोलते हैं। तो आपको कोशिश करनी होती है कि सारे पॉस्चर्स को अपने ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करें, सिंक करें। आप धीरे से अपने दोनों पैरों को आप सामने को फैलाएंगे और अपने सामने पर लेट जाएंगे, अपने सामने पर लेट जाएंगे, शवासन की स्थिति में आप लेटेंगे। आज हम लोग अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आज हम लोग अभ्यास करेंगे। ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, साइटिका की परेशानी है, लोअर बैक प्रॉब्लम है, जिनको हार्निया है या जिनको प्रोस्टेट रहता है, वेरिकोस वेन्स की समस्याएं रहती है पैरों में, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये सीरीज है आज की जो हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें यह ध्यान रखना है जिनको हाई बीपी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती है, वो लोग बहुत सहजता के साथ करेंगे, आराम से करेंगे। हाल ही में किसी का ऑपरेशन हुआ हो अगर पेट का तो उनको नहीं करना प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी कम से कम 6 महीने तक। अगर जिसका 6 महीने के पहले ऑपरेशन कोई हुआ है तो वे लोग ही करेंगे। अभी हाल में किसी का ऑपरेशन हुआ है पेट का, किसी भी चीज का, तो प्लीज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो हाई बीपी वाले हैं, प्लीज कोशिश करेंगे कि अपने श्वास के साथ आप पूरी तरह से सिंक्रोनाइज रहेंगे। कहीं भी बीच में अगर अनइजनेस आपको महसूस होती है तो पॉस्चर्स के बीच में ही आप पॉस्चर्स को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे और रिलैक्स होकर के अपनी श्वास को देखेंगे अंदर जाते और बाहर आते। कहीं भी विग्रस प्रैक्टिस नहीं करनी है, जानबूझ के प्रेशर जनरेट नहीं करनी है, जितना ईज आपसे हो सकेगा उतना ईज होकर प्रैक्टिस करना है। कहीं भी ऐसा लगे कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी, एक्स्ट्रा एफर्ट करके प्रैक्टिस नहीं करनी है, जितनी सहजता से हो जाए धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो आप प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे। शवासन की स्थिति में लेटे हुए अपनी आती और जाती श्वास को इस समय आप देखते रहेंगे।
इंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप करते रहेंगे, नहीं समझ में आएगी अगर तो फिर हमें देखते हुए अभ्यास आप करेंगे, एक बार हमको देख लेंगे फिर अभ्यास आप करेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको तो फिर करते रहेंगे। हम लोग जो सबसे पहले अभ्यास करने जा रहे हैं यह है उत्थान पादासन। उत्थान कहते हैं उठाने को, पाद कहते हैं पैर को, आसन कहते हैं शरीर की वह स्थिति जिसमें आपको स्थिरता का एहसास हो और सुख की अनुभूति हो। दोनों पैर आपस में मिलाएंगे आप, दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां नीचे होंगी जमीन की ओर और दोनों हथेलियां हल्की सी अपने नितंब के नीचे आप डाल लेंगे, अपने बटक्स के नीचे डाल लेंगे हल्की सी। अपने दाहिने पैर के प्रति एकदम सजग हो जाएंगे और बाएं पैर को भी जमीन पे एकदम सीधा रखेंगे और दोनों पैर के पंजों को टखनों के यहां से, एंकल के यहां से अपनी ओर हल्का सा खींच लेंगे ताकि पैर स्ट्रेट रहे। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अब यहां से श्वास को लेते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन से आप 1 फीट ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए उसको नीचे ले जाएंगे। जैसे ही नीचे रखेंगे एक श्वास अपने से अंदर जाएगी और बाहर आएगी, आप लेंगे छोड़ेंगे नहीं, वो अपने से जाएगी और बाहर आएगी। और अब श्वास लेते हुए अपने बाएं पैर को जमीन से 1 फीट ऊपर उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को देखे अंदर जाते और बाहर आते। फिर श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन से आप 2 फीट ऊपर उठाएं, पंजे अपने पास खींचेंगे ताकि पैर स्ट्रेट हो आपके, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को अंदर जाते और बाहर आते अनुभव करें। लेते हुए अपने बाएं पैर को जमीन से 2 फीट उठाएं, छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर जाएगी बाहर आएगी अपने से। अब श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन से 60, 70 या 90 जितना स्ट्रेट हो सकता है श्वास लेते हुए दाहिने पैर को उठाइए। जरूरी नहीं है कि आप 90 तक आई जाए, 60, 70 या 90 तक आए, पैर स्ट्रेट हो, पंजे अपने पास खींचे और अब छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए। जब पैर नीचे रख लेंगे तो श्वास अपने से अंदर जाएगी और बाहर आएगी। फिर श्वास लेते हुए अपने बाएं पैर को जमीन से स्ट्रेट बोट आई 60, 70 या 90, पंजे अपने पास खींचे ताकि नीचे पैर स्ट्रेट हो, छोड़ते हुए नीचे लाए। अब रिदमिक करनी है, श्वास को लेते हुए अपने दाहिने पैर को स्ट्रेट उठाइए, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बाएं पैर को स्ट्रेट उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। श्वास के रिदम को फॉलो करें आप, लेते हुए दाहिना, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बाया, पूरा ध्यान आपके ब्रेथ पे रहे, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए दाहिना, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बाया, छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए दाहिना, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए बायां, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स हो जाएंगे शवासन में आप, पैर को 1 फीट की दूरी बना लें पैरों की, दोनों हाथ कमर के बगल में रख लें 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर हो, सिर गर्दन बिल्कुल सीधी हो,
अपनी आती और जाती श्वास को अपनी नासिका छिद्रों में देखें, अंदर जाती हुई हवा पूरी नाभि और नाभि के नीचे तक पहुंच रही है उसका एहसास करें, नाभि से भी 3 इंच नीचे तक अपने ब्रेथ को जाते हुए अनुभव करें। जानबूझ के लेंगे छोड़ेंगे नहीं। आसन के बाद श्वासें थोड़ी तेज चलती हैं, धीरे धीरे श्वासें सेटल हो रही होती हैं। जबरदस्ती अपनी श्वास को कंट्रोल नहीं करनी, जबरदस्ती श्वास को लेनी छोड़नी नहीं। बहुत ही सहजता से श्वास को देखते जाएं, कुछ ही क्षणों में श्वास फिर से एकदम स्वाभाविक हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और अगले अभ्यास के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जब श्वास शिथिल हो जाए, शांत हो जाए, तो फिर से अपने दोनों पैरों को मिलाते हैं। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं सुप्त पवन मुक्त आसन। जिनको वायु दोष रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है और पूरे पैर को स्ट्रेंथन करता है, पैरों की मसल्स को खोलता है। दोनों पैर मिला लेंगे आपस में, आप दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां नीचे होंगी जमीन की ओर और दोनों हथेलियां हल्की सी अपने नितंब के नीचे आप डाल लेंगे। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अब यहां से इतना ध्यान रखते हैं कि पैर को एकदम फ्री नहीं छोड़ देंगे, रिलैक्स रखेंगे लेकिन पैर के पंजों को अपनी ओर खींच के रखेंगे ताकि नी से पैर स्ट्रेट हो। अब यहां से अपने दाहिने पैर के प्रति एकदम सजग हो जाएंगे, श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर को जमीन से 1 फीट पहले को उठाएं, थोड़ा सा रुके यहां पे, फिर श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए इसको अपने पेट के पास लाएं, छाती के पास, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए अपने घुटने के नीचे पकड़ लेंगे, दाहिने पैर के घुटने के नीचे पकड़ लें और घुटना अपने पास खींचे। आप जितना कोशिश करनी है कि घुटने को मैक्सिमम अपने पास आप खींच के रखेंगे। अब यहां से श्वास को लें और श्वास को छोड़ते हुए अपने नासिका को घुटने के नजदीक लाएं, लेते हुए पीछे, तो पीछे जाए तो श्वास को छोड़ दें पहले आप, फिर श्वास को लें, छोड़ते हुए ऊपर आए, थोड़ा सा रुके यहां पे, फिर लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़ दें, फिर से श्वास को लें, छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़े यहां पे, फिर से श्वास को लें, छोड़ते हुए ऊपर आए, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़ दें, फिर से श्वास को लें, छोड़ते हुए ऊपर आए, लेते हुए पीछे अपने हाथ की उंगलियों को खोलते हुए नीचे रख लें, पैर को सामने और रिलैक्स हो जाए। पूरा ध्यान इस समय आपके दाहिने पैर पे हो, शरीर के दाहिने हिस्से पर हो और अपनी दाहिनी नासिका पर हो। पूरा ध्यान इस समय आपके राइट नॉस्ट्रिल में हो, अपनी दाहिनी नासिका के खुलने का एहसास हो आपको। जो नॉस्ट्रिल जिनकी खुली होती है उस तरफ प्रैक्टिस करना बहुत ही इजी रहता है, जिनकी राइट खुली रही होगी अभी तो उनको प्रैक्टिस करना इजी रहा होगा और जिनकी राइट अगर ब्लॉक होगी तो दर्द हल्का सा कमर के यहां अपनी जांघों की मांसपेशियों में रहा होगा, वो तब तक रहेगा जब तक आपकी राइट नॉस्ट्रिल खुल नहीं जाती। धीरे धीरे ये ब्लॉकेज खुलेगी और दर्द गायब हो जाएगा। अब अपने बाएं पैर के प्रति आप सजग होते हैं, श्वास लेते हुए अपने बाएं पैर को जमीन से आप 1 फीट उठाइए,
छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ते हुए पीछे आइए, दोनों हाथ चुनू फंसाते हुए अपने बाएं पैर के घुटने के नीचे पकड़ लेंगे और घुटने को अपने पास खींच के रखेंगे, पूरा अपने पास खींच ले पहले बढ़िया से। दाहिना पैर जमीन पे एकदम सीधा हो, दाहिना पैर घुटने से उठेगा नहीं इस बात का ध्यान रखेंगे, और दाहिने पैर का पंजा अपनी ओर खींच के रखिएगा। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। यहां से अब यहां पर श्वास को लें, छोड़ते हुए बिल्कुल स्ट्रेट नासिका को अपने घुटने के पास लाएं, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़ दें यहां पे, फिर से श्वास को लें छोड़ते हुए आगे आए, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़ दें, फिर से श्वास को लें छोड़ते हुए आगे आए, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़े यहां पे, फिर से श्वास को लें छोड़ते हुए ऊपर आए, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़े, फिर से श्वास को लें छोड़ते हुए ऊपर आए, लेते हुए पीछे आएंगे, पूरी श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे रख लें, बायां पैर स्ट्रेट करें और फिर पैर को नीचे रख लें। शवासन में लेटे हुए अपने सजगता को अपने बाएं पैर पे लाएं और अपनी बाई नासिका छिद्र पे, अपनी बाई नासिका छिद्र से श्वास को अंदर जाते और बाहर आते अनुभव करें। सने सने दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से, फिर दोनों पैर से करते हैं, लेकिन दोनों पैर से तब करते हैं जब दाहिना पैर और बायां पैर हल्का सा सद जाए, आराम से कट से सोने लगे, तब दोनों पैर से करते हैं। अब दोनों पैर मिलाएंगे आपस में, आप श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन से आप 1 फीट ऊपर उठाइए, छोड़ते हुए घुटनों से मोड़ते हुए पीछे लाइए, दोनों हाथ की फंसाते हुए अपने घुटने के नीचे पकड़ लेंगे आप और घुटना अपने पास खींच के रखेंगे। श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लाएं। जिनको बहुत ही क्रॉनिक लोअर बैक प्रॉब्लम है वो लोग केवल खींच के रखेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, बाकी लोग श्वास छोड़ते ऊपर आए। लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़ दें यहां पे, फिर श्वास को लें छोड़ते हुए ऊपर आए, दोनों घुटनों के बीच में जाएंगे, लेते हुए पीछे पूरी श्वास छोड़ दें, फिर से श्वास को लें छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, लेते हुए पीछे हाथ को नीचे रखेंगे, दोनों पैर को स्ट्रेट करें आप 1 फीट पे और फिर उसको नीचे रख लें और एकदम शवासन में रिलैक्स हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखते जाएं समय। केवल श्वास को देखते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी श्वास सेटल हो जाए पूरी। प्लीज जिनको हाई बीपी रहती है लोग आराम से अभ्यास करेंगे, कहीं भी ऐसा लगेगा कि उनको सफोकेशन हो रही है, अनइजीनेस है, प्रैक्टिस ड्रॉप कर देंगे, पर केवल अपनी श्वास को देखेंगे जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती।
फिर से हम लोग जो अगला अभ्यास करने जा रहे हैं इस अभ्यास को नौकासन कहते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं ये नौकासन है। पूरी नाभि पे ध्यान लगाते हुए अपने बॉडी को बैलेंस करनी होती है पूरी। हम सभी लोग अपनी मदर्स वूम में अपनी माता के घर में अपने नाभि से ही जुड़े हुए थे, बाहर से कट गई लेकिन अंदर अभी भी वो एग्जिस्ट करती है। और सारी एनर्जी जो है आज भी आपके नाभि से ही आप प्रवेश पाते हैं और एक रिवर्बरेशन जो है एक वाइब्रेशन तैयार होती है आपके नाभि के आसपास। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए नौकासन की जाती है ताकि आपकी इडा और पिंगला दोनों इसी क्षेत्र में बैलेंस होती है। दोनों पैर मिलाएंगे आपस में, आप दोनों हाथ की हथेलियों को अपने जान के ऊपर रख लेंगे, ध्यान लगाएंगे अपने नाभि पर और श्वास को लेते हुए अपने नितंब के सहारे सिर छाती हाथ और पैर वी शेप में, अंग्रेजी के वी शेप में जितना ऊपर ला सकते हैं लाने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए आएंगे और यहां पर श्वास को लेंगे छोड़ेंगे, यहां रोकेंगे नहीं, लीजिए छोड़िए। और फिर श्वास को छोड़ते हुए अब नीचे जाएं, हथेलियों को नीचे रख लें, शवासन में लेटे अपनी श्वास को देखें आते जाते हुए। जब श्वास नॉर्मल हो जाए फिर से दोनों पैर मिलाते हैं आपस में, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने जांघों के ऊपर रख लें, ध्यान को अपने नाभि पे लाते हैं, बहुत सजगता के साथ श्वास को लेते हुए नितंब के सहारे सिर छाती हाथ और पैर एक साथ ऊपर उठाते वी शेप में आए, रुकते हुए श्वास को ले छोड़े और पूरी की पूरी वाइब्रेशन पे नाभि में अनुभव करें। पूरा कंपन आपकी नाभि में है, ध्यान आपकी नाभि में हो। शुरू शुरू में लेना छोड़ना मुश्किल रहती है, धीरे धीरे ट्रैक खुलती है। और फिर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, शवासन में लेट जाएं, अपनी आती जाती श्वास को देखें। फिर से दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने जांघ पर रख लेंगे, नाभि पर आपका ध्यान होगा बहुत आराम से एकदम। श्वास को अंदर लेते हुए नितंब के सहारे ऊपर आए, रुक जाएंगे यहां पे नाभि पे ध्यान लगाते हुए, श्वास को ले छोड़े आप। शुरू शुरू में पूरे शरीर में कंपन रहती है, एक वाइब्रेशन रही पूरे शरीर में, जब तक वो नाभि खुलेगी नहीं तब तक एक वाइब्रेशन रहेगा वहां। और फिर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, शवासन में लेटे हुए श्वास को देखें आते जाते हुए, एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। जस्ट वॉच योर ब्रेथ, अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करें कि वो नाभि तक पहुंच रही है, बढ़िया से पेट आगे आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। और जितनी सूक्ष्म श्वास को देखने की आदत डालें उतनी बढ़िया। पॉश्चर्स करते समय भले आप हल्का सा प्रेशर अपने श्वास को देते हैं लेकिन पॉश्चर्स करने के बाद अपने श्वास के विटनेस बन जाते, साक्षी बन जाते और केवल श्वास को देखते हैं अंदर जाते बाहर आते। जब हम अपने श्वास के विटनेस बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेथ हमारी नाभि को छूकर वापस बाहर आती है। और अब दोनों पैर आपस में मिलाएंगे, दाहिनी तरफ अब करवट लेंगे और पेट के बल आ जाएंगे। पेट
पेट के बल आते हुए अधवासन में आप लेटेंगे। अब जो हम सीरीज करने जा रहे हैं ये पूरे बैक प्रॉब्लम वालों के लिए, जिनको साइटिका है, लोअर बैक प्रॉब्लम है, हमेशा कमर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये सीरीज है जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोनों हाथ को सामने को फैलाएंगे, आप माथा जमीन पर रखेंगे, दोनों पैर पीछे मिला रहे। जिन लोगों को इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगा प्लीज एक बार देखेंगे, देखने के बाद अभ्यास करेंगे, जबरदस्ती अभ्यास करने कुछ नहीं करेंगे। इंस्ट्रक्शंस अगर क्लियर नहीं है आपको तो फिर देखना है, अगर क्लियर है तो फिर करते रहना है। दोनों हाथ सामने को फैलानी है, अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा क्रॉल करते हुए आगे को चलाते हुए उसको स्ट्रेच कीजिए, आगे को माथा नीचे रखते हुए दोनों पैर पीछे मिला लेंगे और पैर के टखने जमीन की ओर दबा के रखेंगे। टखने आपके जमीन को छोड़ेंगे नहीं, जमीन को दबा के रखेंगे और अब श्वास को लेते हुए अपने घुटने और अपनी जांघों को, हिप्स को जमीन से 4 से 5 इंच ऊपर उठा लेंगे और श्वास को होल्ड कर लें, छोड़ते हुए घुटने और अपने हिप्स को नीचे रख लें जमीन में, माथा जमीन पर ही रहेगा और टखने को नीचे दबा के रखेंगे आप। फिर से होल्ड करते समय मणिमन गिनेंगे, 5 गिनती करनी है मणिमन आपको, 1 ओम 2 ओम ऐसे श्वास को लेते हुए घुटने और अपनी जांघ को टखनों को दबाते हुए ऊपर उठाएं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम छोड़ दें। एक श्वास को देखे अंदर जाते बाहर आते, फिर से श्वास को लेते हुए घुटने और अपने हिप्स को उठाएं 4 से 5 इंच, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम छोड़ दें। अब रिलैक्स लें, अपने हाथ को दोनों हाथ हथेलियों को एक के ऊपर एक रख लें और उसके ऊपर अपने माथे को रखें बीचों बीच एकदम, और माथे को रखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स रहें। ध्यान आपके ठीक लंबर स्पाइन पे हो, नाभि और नाभि के आसपास, पूरे कमर के आसपास में आपका ध्यान हो, एनर्जी को वहां पर मूव होते हुए महसूस करें। फील द फ्लो ऑफ द एनर्जी, अपने प्राणिक फोर्सेस को, अपने प्राणिक एनर्जी को अपने नाभि के ठीक पीछे, अपने कमर के आसपास। आसन करते समय बहुत ध्यान देना होता है कि जितना ज्यादा आपका ध्यान आपकी श्वास पे है उतने ही पॉस्चर्स के दौरान अपने मसल्स को फ्री छोड़ने पे होना चाहिए। जितना फ्री छोड़ेंगे एनर्जी का पेनिट्रेशन उतनी बढ़िया होगा। अक्सर गलती लोग ये करते हैं जब पॉस्चर्स में जाते हैं तो पॉस्चर्स के को होल्ड कर लेते हैं, जानबूझ के अपने मांसपेशियों को होल्ड कर लेते हैं, होल्ड नहीं करनी, छोड़ दीजिए ढीला, जितना ढीला छोड़ेंगे उतना बढ़िया। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं मकरासन, दोनों हाथ की कोहनियों को ठीक अपने कंधे के नीचे रखेंगे, इसको क्रोकोडाइल पोज कहते हैं, ठीक अपने कंधे के नीचे, ना आगे ना पीछे, ठीक अपने कंधे के नीचे रखते हैं, मुठिया बांध लेते हैं और कलाइयां सीधी रखते हुए अपनी ठुड्डी को अपने मुट्ठी पर रख लेते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं सीलिंग की ओर और वहां देखते हुए दोनों पैर पीछे मिलाते हैं, पैर के टखने जमीन पे एकदम फ्लैट है आपके और कमर पे अपने ध्यान को लाते हैं और कमर के आसपास की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए एकदम ढीला पहले छोड़ दें। यह मन है जो आपकी मांसपेशियों को छोड़ रहा है ढीला, तो मानसिक रूप से ढीला छोड़ें और आप ध्यान लगाएं अपनी श्वास पर जो नासिका से अंदर जा रही है। पूरी श्वास आपके नाभि और नाभि के नीचे तक पहुंचेगी, वहां पे हल्का सा मसाज देगी और फिर वापस बाहर आ जाएगी। पूरा फोकस आपके ब्रेथ पे हो, अंदर जाती हुई श्वास आपके बैक को एक हल्का सा मसाज दे रही है और वापस बाहर आ रही है। अगर वो नाभि तक नहीं पहुंच रही आपकी श्वास तो हल्का सा फोर्स जनरेट करें और श्वास को पूरा नाभि तक पहुंचाएं
ताकि जानबूझ के आपका पेट फूले और अंदर जाए। कुछ दिनों में ही मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो फिर पेट फुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप फिर फूलेगा। आपका पूरा ध्यान इस समय आपकी नाभि पे हो। शुरू शुरू में आंखें खोल करके अभ्यास करते हैं और फिर आंखें बंद करके अभ्यास करते हैं ताकि कॉन्शियसनेस एकदम अलर्ट हो। जिनको हाई बीपी है वो लोग अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, और बाकी लोग अपनी आंखें बंद कर लें समय, और आंखें बंद करते हुए कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को अपने नाभि के आसपास रखिए और फील करें अपने ब्रेथ को वहां तक जाते और बाहर आते। कुछ क्षण यहां पर रहने के बाद तो ऐसा लगे कि वहां की मांसपेशियां थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, तो अगला अभ्यास की तैयारी करेंगे। अगली प्रैक्टिस हम लोग यहीं से स्प्रिंग आसन करते हैं, इसको नर्सिंग आसन कहा जाता है, जिसका ऊपर का शरीर आदमी का हो, नीचे का शरीर जानवर का हो, उसको लायन से अपना शेर से उसका वर्णन किया गया है नर्सिंग का। इसमें करते क्या है, इसमें दाहिने हाथ की कोहनी को ध्यान से देखेंगे, दाहिने हाथ की कोहनी को अपने दाहिने कंधे के एकदम एज पर पैरेलल रखेंगे, एकदम पैरेलल, ना आगे और ना पीछे, ठीक पैरेलल अपने ठीक कंधे से आप लेवल पे उसको नीचे रख लें, दाहिना स्ट्रेट रखेंगे, बाएं हाथ को भी पैरेलल रखेंगे और सीधे नीचे रख लेंगे, और आप सामने की ओर देखेंगे, दोनों पैर आपके मिले हुए हों, ये आपकी बेसिक पोजीशन है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, श्वास लेते हुए सिर और छाती को, अपनी कोहनी उठे नहीं, सिर और छाती को उठाते ऊपर देखें, पूरा प्रेशर दें अपने लोअर बैक पे, आप श्वास को लें और छोड़ते हुए सिर को पूरा आगे को स्ट्रेच करते हुए अपना माथा जमीन पर लाने की कोशिश करें। आएगा ठीक ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन अपने कोहनी को खसकाएंगे नहीं, आप अपने कोहनी को खसकाएंगे नहीं। फिर से श्वास को लेते हुए ऊपर आए, पूरा प्रेशर दें ऊपर की ओर, आप लोअर बैक को फ्री छोड़िए और अब छोड़ते हुए नीचे आए। लेते हुए ऊपर, पूरा एक्सरसाइज दें ऊपर की ओर, आप कोहनी उठे नहीं, हल्की सांस को और लें और अब छोड़ते हुए नीचे आए। फिर से लेते हुए ऊपर, पूरा एक्सरसाइज दें, छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार लेते हुए ऊपर, पूरी एक्सरसाइज देंगे आप, छोड़ते हुए नीचे। अब रिलैक्स हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर रख लें, माथा उसके ऊपर रख लें, अपनी आपकी गली श्वास को देखें समय, और पूरे बैक को मानसिक रूप से एकदम ढीला छोड़ दें, पूरे बैक मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़िए। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। पॉस्चर्स के बाद अपने श्वास को एक विटनेस की तरह देखने की आदत डालिए, जानबूझ के श्वास को लीजिए छोड़िए नहीं। स्टैग्नेंट एनर्जी उस समय रिलीज हो रही होती है, जो रुकी हुई ऊर्जा होती है वो रिलीज हो रही होती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस अपने बैक को देख रही होती है तो कहते हैं चेतना प्राण का वाहक होता है, जहां चेतना जाती है प्राण ऑटोमेटिकली वहां पहुंच रही होती है। जब बैक एकदम रिलैक्स हो जाए आपकी, तो अगला अभ्यास हम लोग करेंगे भुजंग आसन। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी स्पाइन को तैयार कर रहे हैं, और धीरे धीरे ही स्पाइन को तैयार करना चाहिए। अगली प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं भुजंग आसन। दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कंधे के नीचे रखेंगे, ना आगे ना पीछे, माथा जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिला कर रखेंगे, और टखने एकदम फ्लैट होंगे आपके, जमीन को छू रहे होंगे, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अब यहां से श्वास को लेते हुए सिर छाती और धड़ ऊपर उठाइए, नाभि से 2 इंच ऊपर उठेंगे आप, लेकिन कोहनी को मोड़ के रखेंगे,
कोहनी को सीधी नहीं करें, कोहनी मोड़ के रखें और पीछे की ओर खींचे अपने आप को, यहां पर पूरी श्वास को लें और छोड़ते हुए नीचे आए। लेते हुए ऊपर आएंगे, पूरी स्ट्रेस दें, छोड़ते हुए नीचे। स्ट्रेचिंग ब्रेथ की होती है, बॉडी की नहीं। बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होती है, आपको जो स्ट्रेच करना है वो आपका ब्रेथ, एक श्वास एक्स्ट्रा लेनी है वहां पे। फिर से लेते हुए ऊपर आए, एक श्वास आप एक्स्ट्रा लें और छोड़ते हुए नीचे। ये मसल्स को खोलने के लिए होती है, ताकि धीरे धीरे मसल्स खोले कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रेथ से। अब आप पॉस्चर्स में रुकते हुए श्वास को लेंगे छोड़ेंगे, इससे आपकी नाड़ियां खुलेंगी, या आपकी आपकी प्राणिक बॉडी है उसको खोलने के लिए होता है। श्वास को लेते हुए सिर्फ छाती दौड़ को उठाइए। अब यहां पर रुकते हुए श्वास को ले छोड़े आप, पूरी ब्रेथ आपकी नाभि तक जानी चाहिए। पूरी श्वास लें छोड़े और अब श्वास को लें छोड़ते नीचे आए। जब नीचे आप माथे को रख लें तो एक श्वास को अंदर जाते और बाहर आते अनुभव करें। तीन स्टेजेस में आसन होती हैं। पहला स्टेज मांसपेशियों को खोलने के लिए, सेकंड स्टेज आपकी नाड़ी को, इसको जो कि भाषा में नाड़ी कहते हैं, उसको खोलने के लिए आपकी साइकिक पाथवे जिसके अंदर प्राण बहती है। फिर से एक बार श्वास को लेते हुए ऊपर आए, रुकते हुए श्वास को ले छोड़े आप और पूरा ऊपर देखिए अपने ब्रह्मत पर या सीलिंग पर देखें, वो जितना प्रेशर बैक में है उतनी प्रेशर आपके नेक पे हो। ले छोड़े, और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए। नीचे आने के बाद श्वास को देखेंगे आते आते हुए आप, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ सामने रख लें, अपने श्वास को देखते जाएंगे आप। धीरे धीरे श्वास को स्वाभाविक होने दें, कमर के आसपास की मांसपेशियों को फ्री छोड़ें और एकदम रिलैक्स होने दें। अब भुजंगासन का हम लोग काउंटर पोज करेंगे और सलभासन, चिट्टी को कहते हैं सलभ। अपने दोनों हाथ को आप पीछे ले जाएं, हथेलियां खुली भी आसमान की ओर होती हैं, दोनों हथेलियां अपने जांघ के नीचे डाल देंगे, दोनों हथेलियों को अपने जांघ के नीचे डाल लेंगे, पैर बिल्कुल सीधे होंगे, चिन को अपने छोटे को आगे रख लें और बढ़िया से आगे खींच के रखते रहिए, गर्दन पे मैक्सिमम प्रेशर हो। अपने दाहिने पैर के प्रति एकदम सजग हो जाते हैं, श्वास लेते हुए अपने दाहिने पैर को स्ट्रेट को उठाई जितना उठा पाते हैं, एकदम सीधा जांघों की मांसपेशियों को यूज करते हुए स्ट्रेट को उठाए, छोड़ते हुए नीचे। लेते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। लेते हुए दाहिना पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। लेते हुए बायां पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। लेते हुए दाहिना, छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे रख लें तो एक श्वास अपने से अंदर जाएगी, बाहर आएगी। फिर लेते हुए बायां, छोड़ते हुए नीचे।
लेते हुए दाहिना पूरा स्ट्रेच करें, बड़ा छोड़ते हुए नीचे, ठीक हिप्स की ओपनिंग में आपको स्ट्रेच मिल रही है। लेते हुए बायां स्ट्रेच, छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी आती अधिक श्वास को देखें, समय दोनों हाथ के धीरे आई के ऊपर एक रख लेंगे, मात्रा उसके ऊपर रख लें और बस केवल श्वास को देखें, अंदर जाते बाहर आते शरीर को बहुत ही रिलैक्स छोड़ेंगे। अब इस सीरीज का आखिरी अभ्यास हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। दोनों पैरों के बीच में हम लोग 1 से 1.5 फीट का फासला कर लेंगे, पैरों की उंगलियों के सारे पंजों को रखेंगे, पैरों की उंगलियों के सारे पंजों को रखेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां अपने कंधे के नीचे रखेंगे आप और माथा जमीन पे। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ध्यान से सुनेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला होगा, पैरों की उंगलियों के सारे अपने पंजों को आप रखेंगे ताकि स्ट्रेट हो आपके पंजे। दोनों हाथ की हथेलियां अपने कंधे के नीचे रखेंगे, माथा जमीन पर, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अब यहां से श्वास को लेते हुए सिर, छाती और धड़ को उठाइए, इसमें हाथ को सीधा करें, छोड़ते हुए अपने दाहिने कंधे के ऊपर से अपने दाहिने कंधे के एज को देखें, चाहे दाहिनी एड़ी को देखें। लेते हुए बीच में आए, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाएंगे, लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए नीचे आए। एक श्वास को अंदर जाते और बाहर आते देखें, माथा नीचे रखेंगे, ठुड्डी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, आपके माथे को रिलैक्स करनी है इस समय। अक्सर लोग अपनी ठुड्डी अपना रख देते हैं जमीन में, माथा रखे नीचे। फिर से श्वास को लेते हुए ऊपर आए, छोड़ते हुए अपने दाहिने कंधे के ऊपर से, नीचे से नहीं, दाहिने कंधे के ऊपर से देखिए, दिखे ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, बाएं कंधे के ऊपर से देखना है, नीचे से नहीं, कंधे के पहले एच को देखें, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए नीचे। एक श्वास अंदर गई, बाहर आ गई, फिर से लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए अपने दाहिने कंधे के ऊपर से, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए नीचे। फिर से लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए नीचे। अब रिलैक्स हो जाएंगे। अपनी आधी और ज्यादा श्वास को देखेंगे समय आप, उसके बाद स्वस्थता से अपनी श्वास को देखते रहिए। धीरे धीरे श्वास स्वाभाविक हो रही है, रिलैक्स हो रही है, हर अपने अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को अध्वासन में देखते रहिए आप, माथा नीचे रखते हुए। जब रिलैक्स हो जाए, श्वास से सहज हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, तो वापस धीरे से अब अपने पीठ के बल आएंगे आप। फिर से करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाए,
अपने पीठ के बल लेट जाएंगे आप। हम लोग आसनों में एकदम आखिरी अभ्यास करने जा रहे हैं, शव उद्राकर्षण आसन। इसका वेरिएशन है शवासन में लेटे हुए पहले अपनी आती अति श्वास को देखिएगा। जब श्वास एकदम सेटल हो जाए, लगे कि रिलैक्स हो गई एकदम, कमर की मांसपेशियां ढीली है, दोनों पैर आपस में मिलाते हैं, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सिर के पीछे लेके जाएंगे, सिर के नीचे रख लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सिर के पीछे लेके जाएं और सिर के नीचे रख लें। दोनों कोहनियां आपकी जमीन को छू रही हैं और पूरे अभ्यास में दोनों हाथ की कोहनियां आपकी जमीन को छूती रहेंगी। श्वास को लेते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन से आप 2 फीट ऊपर उठाएंगे और रुक जाएंगे। यहां पर श्वास को लेंगे छोड़ेंगे आप, पूरा ध्यान आपकी नाभि पे हो। छोड़ते हुए पीछे लाएंगे, घुटनों को मोड़ते हुए तलवार नीचे रखेंगे आप, अपने बाएं पैर की एड़ी को अपने बाएं नितंब के एकदम एज पे रखेंगे किनारे पर। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज हमको देखिएगा। और दाहिने पैर की एड़ी को अपने दाहिने नितंब के एकदम किनारे पर रखेंगे आप, दोनों पैर एकदम किनारे पर रहेंगे और पैरों के बीच जैसे एड़ियां किनारे पर होती हैं घुटनों के बीच में करीबन 1 से 1.5 फीट के फासले हो जाते, पैर एकदम खुल जाते हैं। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अब यहां से हम श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं पैर का घुटना जमीन को छूने जा रहा है और दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के तलवे के पास जाएगा और सिर दाहिनी ओर ले जाएं। बाएं पैर का घुटना जमीन को छूने जा रहा है, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के तलवे के पास जाएगा और सिर अपनी दाहिने कोहनी को देख रही है, आप निगाहें दाहिने कोहनी पर हो। और यहां पर श्वास को नीचे छोड़िए, श्वास को लेते रहिए छोड़ दे रहिए, श्वास को रोकेंगे नहीं आप। शुरू में किसी भी पोस्चर में श्वास को ज्यादा रोका नहीं जाता, लेना छोड़ना लगातार चलता रहे। फिर लेते हुए ऊपर आए, छोड़ते हुए पैर को अपनी दाहिनी ओर ले जाएं, दाहिना पैर जमीन को छू रहा है, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के तलवे के पास आएगा, सिर बाई ओर। श्वास को लें छोड़े आप, फिर से श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए पैर बाई ओर सिर दाहिनी ओर, बायां घुटना जमीन को छुएगा, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के तलवे को छुएगा। श्वास ले छोड़े, पूरी डीप ब्रीदिंग करते हैं ताकि नाभि तक श्वास जाए। लेते ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए पैर दाहिनी ओर सिर बाईं ओर, श्वास ले छोड़े, फिर लेते हुए बीच में आएंगे, पूरी श्वास यहां पर छोड़ दें एक बार। अभी आखिरी बार कर रहे हैं आप, श्वास को लें, छोड़ते हुए पैर बाईं ओर सिर दाहिनी ओर, बाएं पैर का घुटना जमीन को छुएगा, दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर के तलवे को छूने जा रहा है, सिर दाहिनी ओर, श्वास लेते रहें छोड़ते रहें आप।
लेते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए पैर दाहिनी ओर, सिर बाईं ओर, श्वास लेते रहें छोड़ते रहें। प्लीज श्वास को होल्ड नहीं करेंगे आप, लेते हुए बीच में आएंगे और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन में लेट जाएं, पैरों के बीच में एक फुट के फासले कर लें, दोनों हाथ कमर के बगल में लगभग 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां थोड़ी भी आसमान की ओर होंगी, शरीर बहुत ही रिलैक्स होगा आपका। अपनी हर आती और जाती श्वास को समय आप केवल देख रहे हैं, अपने नाभि पर ध्यान लगाते हुए पूरी कोशिश हो कि इस समय हम मैकेनिकल ब्रीदिंग नहीं करेंगे, हम जानबूझ के श्वास को लेंगे छोड़ेंगे नहीं, जस्ट बी द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ। आसन कंप्लीट होने के बाद जैसे जैसे ये चेतना और शक्ति आपके नाभि में मिलेंगी, वैसे वैसे आपकी श्वासें दिन पे दिन और सूक्ष्म होती जाएंगी। जब कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी मर्ज होती है आपस में तो सूक्ष्म श्वास का जन्म होता है और धीरे धीरे ब्रीदिंग बहुत ही सटल एकदम सूक्ष्म हो जाती और प्राणायाम का जन्म हो रहा होता है। आसन प्राणायाम को जन्म देता है, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा को, धारणा ध्यान को और ध्यान समाधि को। ये सारी प्रैक्टिसें एक दूसरे को जन्म दे रही होती हैं। आसन अगर ब्रेथ के साथ की जाए तो धीरे धीरे अपने अंदर के प्राणिक फोर्सेस को अनुभव करते हैं। इस समय केवल आप अपनी श्वास को देख रहे हैं, शरीर बहुत ही रिलैक्स है आपकी, एकदम ढीला छोड़ देते हैं। अपनी आती और जाती श्वास को इस समय आप देखते जा रहे हैं, हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ नाभि और नाभि के 3 इंच नीचे बहुत ही सहजता से ये प्राण पहुंच रही है और वापस श्वास को आप छोड़ रहे हैं। कोई प्रयास आपका नहीं है, यू आर जस्ट द विटनेस ऑफ योर ब्रेथ। जस्ट ट्राई टू फील द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हैपनिंग बाय इट्स ओन, यू आर नॉट डूइंग इट। आप इस समय कर्ता भाव में नहीं है, इस समय आप दृष्टा भाव में हैं। कर्म आसन है, प्राणायाम दृष्टा है। प्राणायाम उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो लोग अपने प्राण को दृष्टा भाव में देखते हैं। हर अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को अपने नाभि और नाभि के नीचे जाते हुए अनुभव करते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद ये श्वास बहुत ही सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाती है, स्लो और गहरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो गले से लेकर के नाभि तक एक स्पेस बन गया है और ये पूरी स्पेस में ये ब्रेथ आपकी ट्रैवल कर रही है और इसी सूक्ष्म श्वास को अनुभव करते हुए उसको देखते हुए अब इस पूरे शरीर की हम आपको परिक्रमा करवाएंगे। जिन अंगों का नाम हम लेंगे उन अंगों पर अपनी चेतना को आप ले जाएंगे और उन अंगों को मानसिक रूप से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जिस समय चेतना अपने पूरे शरीर की यात्रा कर रही होगी आप जानबूझ के श्वास को लेंगे छोड़ेंगे नहीं, बस केवल श्वास के विटनेस रहेंगे, देखते रहेंगे श्वास को। कहीं भी श्वास को जानबूझ के भरने की या खाली करने की कोशिश आप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको फिर डीप रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, मांसपेशियां शिथिल नहीं हो पाएंगी, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। धीरे से अब अपनी सजगता को अपने दाहिने पैर पर लाते हैं, पैरों की उंगलियों से लेकर के जांघों के जोड़ तक पूरे दाहिने पैर को देखें। पूरे दाहिने पैर को देखते जाएं, श्वास बहुत ही सूक्ष्म अंदर आती और जा रही होती है और पूरा दाहिना पैर एकदम रिलैक्स हो जाता है एकदम। ठीक वैसे ही पूरे अपने बाएं पैर को देखेंगे, पूरा बायां पैर एकदम ढीला, दाहिनी नितंब आपकी, आपका दाहिने साइड का बटक बिल्कुल ढीला, बाईं नितंब आपकी,
पूरी दाहिनी पीठ, पूरी बाई पीठ, पूरे पीठ का हिस्सा, दाहिना कंधा, पूरा दाहिना हाथ, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ, गर्दन, सिर के पीछे का हिस्सा, पूरा सिर आपका, माथा, पूरा चेहरा, गला, छाती और आपके पेट एकदम ढीले, पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला। अपने संपूर्ण शरीर में हल्केपन का एहसास करें। श्वास को एक विटनेस की तरह देखते जाएं। लेने छोड़ने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे आप। अब एक एक अंगों पर, एक एक जोड़ों पर भी ध्यान को ले जाएंगे हम। थोड़ा जल्दी जल्दी नाम लेंगे। अगर आप बंद आंखों से अपनी चेतना उसको देख पाए, अगर उन अंगों को, तो ठीक, नहीं देख पाए कोई बात नहीं है, आगे निकल जाएंगे। कोशिश करेंगे कि जिन अंगों का नाम हम ले रहे हैं उनको आप देखें बंद आंखों से। चेतना हर एक अंगों को जब देखती है तो प्राण ऑटोमेटिक आपके हर एक अंगों तक पहुंच जाती है। धीरे से अपनी सजगता को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पे लाते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों अंगुलियां और अंगूठा साथ में, हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, दाहिनी कमर आपकी, दाहिनी नितंब, दाहिनी जांग, दाहिना घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दाहिने पैर का तलवा, दाहिने पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और आपका पूरा दाहिना भाग, पूरा दाहिना भाग एकदम ढीला ढीला और ढीला। सजगता को धीरे से अपने शरीर के बाएं भाग पर लाते हैं। बाएं हाथ का ख्याल करें। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, कलाई, कोहनी, कोहनी के नीचे की भुजा, कोहनी के ऊपर की भुजा, कंधा, बगल, बाई कमर आपकी, बाई नितंब, बाई जांग, बाया घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग एकदम ढीला। सजगता को धीरे से शरीर के सामने वाले भाग पर लाएंगे। सिर तथा चेहरे का ख्याल करें। चेहरे पर आपका माथा, दाहिनी भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, इसे मृमध्य कहते हैं। दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिना कान, बायां कान, दाहिनी नासिका छिद्र, बाईं नासिका छिद्र, दाहिना गाल, बायां गाल, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ, दोनों होंठ एक साथ, ठुड्डी, संपूर्ण गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, नाभि के ऊपर का हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर एकदम ढीला। अब सजगता को शरीर के पिछले भाग पर ले जाएंगे, जो भाग जमीन को छू रहा है, और उसके स्पंदन का आप ख्याल करेंगे। सिर के पीछे का हिस्सा, गर्दन आपकी, दोनों कंधे,
दोनों हाथ के पीछे का हिस्सा, पूरी पीठ, कमर आपकी, दोनों नितंब, दोनों जांघों के पीछे का हिस्सा, दोनों घुटनों के पीछे का हिस्सा, दोनों पिंडलियां, दोनों एड़ियां और आपका पूरा शरीर, पूरा शरीर एकदम ढीला ढीला और ढीला। संपूर्ण शरीर में हल्केपन का एहसास करते हुए बस केवल अपनी श्वास को देखते जाएं। समय सारी मांसपेशियां एकदम ढीली हो गई हैं, एकदम रिलैक्स हैं, सूक्ष्म श्वास की अनुभूति है, इसी को प्राण कहते हैं। जब श्वास में कोई आवाज न रह जाए, कोई प्रयास न रह जाए, श्वास स्लो, धीमी और गहरी चले, मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत है समय। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए सिर के पीछे लेके जाएं, पूरे शरीर को आप तानेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे और दाहिनी तरफ करवट लेते हुए फिर उठकर बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठे हुए पलथी मार के सुखासन में बैठ जाएं। आप यदि दाहिने पैर से अपने क्लास को स्टार्ट किया था तो आप अपने बाएं पैर से आगे बैठेंगे, अपने बाएं पैर को आप आगे रख लें और एकदम शांत और स्थिर आप बैठें। सुखासन में बैठे हुए एक मूर्ति की भांति बिल्कुल शांत और स्थिर अपनी सांस को देखें, नासिका छिद्रों में अंदर जाते बाहर आते। शरीर की स्थिरता, श्वास की सजगता, उसकी एकाग्रता आपको आसन के बाद प्राणायाम करवाती है। हम लोग आज नाड़ी शोधन का अभ्यास करने जा रहे हैं प्राणायामों में। इसका पहला स्टेज हम लोग करेंगे, बाएं से श्वास को लेना, बाएं से ही श्वास को छोड़ना, फिर दाहिने से श्वास को लेना और दाहिने से ही श्वास को छोड़ना। इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम बाएं से श्वास को ले रहे हैं और बाएं से श्वास को छोड़ रहे हैं तो ध्यान हमारे गले के बीचों बीच होगी लेते और छोड़ते समय, और जिस समय हम दाहिने से श्वास को लेंगे और दाहिने से श्वास को छोड़ेंगे उस समय ध्यान हमारा नाभि पर रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग नाड़ी शोधन स्टार्ट होती है, लेकिन ऑल्टरनेट के पहले उसकी जो पहली स्टेज है नाड़ी शोधन की, उसमें बाएं से ही श्वास को लेते हैं, बाएं से ही श्वास को छोड़नी होती है, फिर दाहिने से श्वास को लेते हैं और दाहिने से श्वास को छोड़ते हैं। यह आपका एक राउंड होता है। पहले हम लोग बाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे 5 बार, फिर दाहिने से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे 5 बार। इस तरह से हम लोग अभ्यास अपनी करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि श्वास लेते समय कोशिश ये हो कि श्वास में आवाज तनिक भी नहीं हो, थोड़ी भी नहीं, आवाज नहीं करनी है। ध्यान लगानी है अपने गले पर और महसूस करना है कि जो श्वास ले रहा है वो अंदर से कोई ले रहा है, और ये एहसास आपको होना चाहिए कि अंदर से एक हल्का सा प्रेशर जनरेट हो रहा है जो श्वास को अंदर भर रहा है। आप अगर लेने की कोशिश कर, आप जब प्रेशर देते हैं श्वास को तो आप आवाज करते हैं और आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपकी एक नॉस्ट्रल डोमिनेंट है और एक नॉस्ट्रल आपकी डोरमेंट है, वो कम चल रही है और एक आपकी बढ़िया से चल रही है। तो इसको अनुभव करने के लिए ही नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू शुरू में लेफ्ट से और राइट से करनी चाहिए, ताकि आपको यह एहसास हो कि या तो आप मेल डोमिनेंट हैं या तो आप फीमेल डोमिनेंट हैं। आप दिन भर जब चेक करते हैं अपने आप को तो आप पाते हैं कि या तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल बहुत ज्यादा चल रही है दिन भर, या तो आपकी राइट नॉस्ट्रल बहुत ज्यादा चल रही है दिन भर। हर 40 मिनट या हर 50 मिनट के बाद लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में ब्रेथ अपने आप कन्वर्ट हो रही होती है। ये नेचर्स गिफ्ट है, हमको लेफ्ट से वो राइट में जाती है और राइट से लेफ्ट में आती है। ये ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है
जो आपकी इडा और पिंगला को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये नेचर्स गिफ्ट है। लेकिन हमने अगर अपनी राइट नॉस्ट्रल को बहुत यूज कर लिया है तो हमारी राइट एकदम एक्टिव हो जाती है, लेफ्ट को बहुत यूज कर लिया है तो लेफ्ट एकदम एक्टिव हो जाएगी, और एक्सेस अगर हमने यूज कर लिया है, अगर लेफ्ट को हमने ज्यादा यूज कर लिया है अगर बहुत ज्यादा, तो लेफ्ट जो है वो आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेगी और राइट एकदम एक्टिव हो जाएगी। और जो आज का जो पेंडेमिक एरा है, इस समय जो डिप्रेशन का स्टेज लोगों के अंदर जो आ रहा है, उसका रीजन ये है कि वो लोग अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, माइंड को बहुत यूज कर रहे हैं। माइंड को बहुत यूज करेंगे तो आपके राइट एक्टिव हो जाएगी, और राइट नॉस्ट्रल जब एक्टिव हो जाती है तो वो आपको फिर डिप्रेटिव स्टेट में लगेगी ले जाने। तो कोशिश ये करते हैं कि दोनों नॉस्ट्रल्स को हम बैलेंस रखें अपने, और इसकी साइंटिफिक वैल्यूज को हम धीरे धीरे और आप लोगों को समझाते चलेंगे लास्ट में। आज पहले हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस को करने के लिए जिस स्थिति में आप बैठे हैं सुखासन में, उसमें बैठना जरूरी है। दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटने के ऊपर रखते हैं, अंगूठा आपकी तर्जनी को छू रही है। कोशिश ये रहती है कि जब आप बैठते हैं सुखासन में, दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटने पर रखनी है, अंगूठा आपकी तर्जनी को छू रही है, ताकि पूरी एक एनर्जी का सर्किट बन रहा हो। आपके बंद स्पाइन स्ट्रेट, आपकी फेस थोड़ी सी अपटर्न रहती है। पहली बार आप कर रहे हैं अगर, तो आंखें खोल लेंगे, एक बार देख लेंगे। जो मुद्रा इसमें अपनाई जाती है उसको कहते हैं नासिकाग्र मुद्रा, इसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं। दाहिने हाथ की पहली दो उंगलियों अपने भ्रूमध्य पर रखते हैं, दाहिने हाथ की पहली दो उंगलियों को अपने भ्रूमध्य पर रखते हैं, अंगूठे को अपने दाहिने नासिका क्षेत्र के ऊपर रखते हैं, और अनामिका आपका रिंग फिंगर, इसको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल के ऊपर रखते हैं। राइट को बंद करने के लिए अंगूठे से अपने राइट को बंद कर लेते हैं, और लेफ्ट से श्वास को लेते हैं, गले पे ध्यान लगाते हुए श्वास को लेफ्ट से लें, और मेंटली काउंट करेंगे। जब श्वास अंदर एक स्ट्रेच में जारी होगी तो मेंटली काउंट करें, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ दें, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब लेफ्ट से श्वास को लें फिर से, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब लेफ्ट से छोड़ें, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। फिर से लेफ्ट से लेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब लेफ्ट से छोड़ेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब हाथ को नीचे कर लें, आप रिलैक्स रहें, अपनी पूरी अवेयरनेस आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल में हो, लेफ्ट में श्वास को अंदर जाते और बाहर आते अनुभव करें। पूरा ध्यान इस समय आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल में रहे। फिर से नासिकाग्र मुद्रा में आते हैं, दाहिने हाथ की पहली दो उंगलियों को भ्रूमध्य पर रखते हैं, इस बार अनामिका से रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लेते हैं, और ध्यान लगाते हैं अपने नाभि पे, आप मणिपुर पे अपने नाभि चक्र में। श्वास राइट से लेना स्टार्ट करें, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। राइट से ही छोड़ेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। फिर राइट से लेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। फिर राइट से ही छोड़ेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। फिर राइट से लेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। फिर राइट से ही छोड़ेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अब हाथ को नीचे कर लेंगे, अपनी पूरी सजगता इस समय आपके राइट नॉस्ट्रल में हो,
श्वास को राइट में श्वास को जाते और आते देखें। अब हम लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेनी, राइट से छोड़नी, फिर राइट से लेनी और लेफ्ट से छोड़नी। मेंटली काउंट करना है, पांच गिनती आप करेंगे, मनी मन गिनना है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे करते हुए करेंगे। हम आपको कराएंगे, आप केवल कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप करने में। दाहिने हाथ की फिर से दोनों उंगलियों को अपने गुरमत पर रखिए, अंगूठे से अपने दाहिने को बंद कर लें, बाएं से श्वास को लेना स्टार्ट करें, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। रिंग फिंगर से बायां बंद कर लें, राइट से छोड़ेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। राइट से लेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। अंगूठे से राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। ये आपका एक राउंड हुआ, हाथ को नीचे कर लें, अपनी सांस को देखिए अंदर जाते बाहर आते। अब अपने से आप 2 राउंड करेंगे, हम आपको देख रहे हैं, आप अपने से 2 राउंड करें। दाहिने हाथ के पहले 2 उंगलियों गुरमत पर रखें, अंगूठे से दाहिने को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को लें, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से पूरी 5 गिनती करते हुए श्वास को लेना, राइट से 5 गिनती करते हुए छोड़ना, फिर राइट से 5 गिनती करते हुए लेना और लेफ्ट से 5 गिनती करते हुए छोड़ना। ये आपका 2 राउंड होगा, सेकेंड राउंड। फिर 1 राउंड और करनी है, 3 राउंड के बाद फिर हाथ को नीचे कर लेंगे और एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। तीसरे राउंड में जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ेंगे, तो फिर एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। नाड़ी शोधन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है और उसका जो टेक्स्टबुक नेम है ये नाड़ी शोधन है, नाड़ियों को शुद्ध करने वाली प्रैक्टिस। एकदम स्ट्रेट बैठते हैं आप, केवल अपनी सटल श्वास को देखते हैं अंदर जाते बाहर आते। जिनकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई हो और जिनकी अभी नहीं हुई है पूरी कंप्लीट कर लें, और हो गई हो तो बिल्कुल शांत और स्थिर बैठेंगे। अपनी हर अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को अपने नाभि से गले की ओर आते और जाती हुई श्वास को गले से फिर नाभि की ओर जाते महसूस करेंगे। ये आपकी सटल ब्रीदिंग का एहसास है। जब श्वास एकदम सूक्ष्म हो जाती है तो जब हम ले रहे होते हैं श्वास को तो एहसास होता है कि श्वास अब नाभि से गले की ओर आ रही है और छोड़ते समय गले से यह नाभि की ओर जा रही है। स्थूल श्वास जब रहती है, जो हम लोग मैकेनिकल ब्रीदिंग करते हैं, तो वो गले से नाभि की ओर जाती है और नाभि से गले की ओर आती है। ये आपकी स्थूल श्वास की एक्सपीरियंस है आपको। लेकिन जब आप अपनी सटल श्वास को देखते हैं, सूक्ष्म श्वास, उस श्वास का जो अनुभव है वो नाभि से गले की ओर आते हुए और जाती हुई श्वास जो है वो गले से नाभि की ओर जाती है। बहुत ही सटल, एकदम सूक्ष्म ये श्वास की गति। इस समय हम इसको अंदर देखते हैं अंदर जाते हुए तो हम पाते हैं कि नाभि से गले की ओर आ रही है और छोड़ते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि ये गले से फिर नाभि की ओर जा रही है। ये बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग आपकी ये ब्रेथ होती है जो आपको अपने अंदर के प्राण का अनुभव करा रही है, अपने प्राण का परिचय दे रही है, जो एकदम ही साउंडलेस है, एकदम एफर्टलेस है, स्लो और गहरी है। ये गुण है उस प्राण के। जैसे अग्नि का गुण है वो वार्म करता है आपको, गर्म करता है आपको, जल का गुण है कि वो शीतल करता है आपको, शांत करता है आपको, वैसी जो प्राण है उसके अंदर भी 3 गुण हैं। अब जब अनुभव कराते हैं तो आप अनुभव करते हैं
कि अंदर जाने वाली श्वासों में कोई आवाज नहीं है, एकदम साउंडलेस आपकी ब्रेथ है, एफर्टलेस आपकी आपकी ब्रेथ जा रही होती है, कोई एफर्ट नहीं होती है श्वास में, स्लो और गहरी होती है। और अब चेतना को अपने ब्रह्मत पर रखेंगे आप, वहां पर एक सुंदर जलती हुई ज्योति का आप दर्शन करेंगे और उस ज्योति पर अपनी चेतना को टिकाए हुए या उगते हुए सूर्य का दर्शन करेंगे। कुछ क्षणों के लिए उसको देखेंगे आप, भले आपका ये एक इमेजिनेशन हो, एक कल्पना हो उसको देखने का, उसको देखें और पूरे भाव के साथ आप मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय का, एक स्ट्रेच में करनी है, एक बार हम बोलेंगे फिर दूसरी बार से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एकदम स्थिर बैठ जाएंगे आप, थोड़ी भी हलचल नहीं करनी। अगर आपने एक स्ट्रेच में अगर ये पूरी मंत्र की जाप की है तो अंदर एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है नाभि के पास, पूरी एक कंपन रहती है नाभि के आसपास में और नाभि के नीचे। पूरा ध्यान आपके ब्रह्मत पर हो और अपने नाभि पर हो। बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा है इस काले पर्दे को देखें
और साथ ही साथ ध्यान को अपने नाभि के नीचे 3 इंच नीचे जो रिवर्बरेशन हो रहा है, एक कंपन जो वहां पे है उसको महसूस करें। अपनी आती जाती श्वास को आप देखते जाएंगे इस समय। कुछ क्षणों के लिए एकदम शांत और स्थिर रहिए ऐसे यहां, 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठते हैं मंत्र के बाद, ताकि मंत्रों से उत्पन्न जो ऊर्जा है उस पूरे शरीर में आप उसको महसूस करें। अब शांति पाठ करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद मंत्रों को हमारे बाद दोहराएंगे। श्वास लें, ओ ओ ओ शांति मंत्र महामृत्युंजय पाठ करेंगे, श्वास लेंगे। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 हरि ओम। हथेलियों को अपने हृदय के पास जोड़ेंगे, अपने प्रथम गुरु अपने माता पिता को याद करेंगे और उनको नमन करते हुए एक साथ श्वास लें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव त्वमेव सर्वम् मम देव देव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। सबके कल्याण के लिए हरि ओम। रगड़ लेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करने के बाद है ऐसे हथेलियों को रगड़ा करें, नीचे के हिस्से को रगड़ेंगे तो जल्दी गर्म होगा। और फिर अपनी आंखों को रखें और पूरे चेहरे पे घुमा लें। हरि ओम तत्सत। हरिओम। आप लोगों का कोई प्रश्न अगर होगा तो आप लोग अपने प्रश्न को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और उसके उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर कोई आप लोगों को प्रश्न होगा तो आप लोग उस पर पूछ लीजिएगा और फिर आप लोगों को उसके उत्तर मिल जाएंगे। आप लोग कल की यात्रा के लिए आप लोग फिर तैयार रहेंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। Thank you.
शिवम क्लास हो रही है सही? जी गुरु जी, क्लास बढ़िया हो रही है। पापा गए ऑफिस? अभी बात है, रेडी हो रहे हैं। चले अच्छा, जो लोगों को, जो लोग सब लोग जा सकते हैं, अपने आप को ऑफ कर लें आप लोग।